सब्सक्राइब करी मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने चेहरे को वीनस की रेजर की मदद से शेव कैसे करती हूँ। तो काफ़ी सारे तरीके हैं चेहरे के बालों को हटाने का, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग। मगर वैक्सिंग से मेरा चेहरा जल जाता है, थ्रेडिंग से मुझे रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं अपने चेहरे को शेव करती हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और ज़्यादा कड़े बाल भी नहीं आते हैं। और इसके बारे में काफ़ी सारा मिथ है जो मैं डिबंक करना चाहती हूँ, मगर वो मैं किसी और वीडियो में करूँगी। इसमें मैं आपको सिंपली बता देना चाहती हूँ कि आप अपने फेस को शेव कैसे कर सकते हैं और मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि आप अपने पूरे चेहरे पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लें, फिर अपना जो भी आप रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं उसको लेके थोड़ा सा चेहरे पे झाग बना ले, क्योंकि इस झाग की मदद से ज़्यादा इजी होगा, जो रेज़र है वो अच्छे से आपके चेहरे पे ग्लाइड कर पाएगा और काफ़ी क्लोज शेप आपको मिल पाएगा। अब मैंने फेस वॉश लगा लिया है, थोड़ा सा झाग बना लिया है। ये थोड़ा नेचुरल टाइप का फेस वॉश है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा झाग नहीं मिलेगा, बट अगर आप शेविंग फोम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं वीनस का 3-ब्लेड रेजर लेके धीरे धीरे अपने चेहरे को शेव करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सब क्योंकि मेरा फोरहेड काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा शेव नहीं करती हूँ, मैं बस हल्का सा सामने के तरफ से थोड़ा सा शेव करती हूँ। उसके बाद मैं अपने आईज़ के अराउंड शेव करती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे करके नीचे गाल से होते हुए चिन के तरफ आके शेव करती हूँ। तो देखिए, इसका दो तरीका है, एक तो आप ऊपर से नीचे की तरफ शेव करें और दूसरा है कि नीचे से ऊपर की तरफ शेव करें, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया में आपके फेस के किस तरह का ग्रोथ है। नोज़ के पास शेव कर पाना थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा धीरे से ध्यान से करें और लास्ट में आप अपने लिप्स के अराउंड शेव करें, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल होते हैं और उन्हें हटा पाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एक बार ऊपर से नीचे की तरफ करती हूँ, फिर मैं साइडवेज करके शेव करती हूँ ताकि पूरे बाल अच्छे से हट जाए। जहाँ पर भी आपको शेव करने में दिक्कत हो रही है, आप अपने टंग से उस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि थ्रेडिंग के टाइम पर भी लोग करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लोज शेव मिलेगा। तो देखिए, मैं अलग अलग एरिया में अपने टंग को पोजीशन करके अच्छे से शेव कर रही हूँ। शेव करने के बाद आप अपने चेहरे को धो ले, उसे तौलिए से अच्छे से ड्राई कर ले, और अगर आपको लगता है कि आपका शेव बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है तो एक बार और रिपीट करें। फिर एंड में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप करें, मगर मैं एलोवेरा जेल लगा देती हूँ ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा सूद हो जाए, कोई रिएक्शन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और मुझे कुछ सी और चीज़ को लगाने में थोड़ा सा डर भी लगता है कि उससे कोई रिएक्शन हो सकता है, तो इमीडिएटली शेव के बाद मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ और उसकी एक मोटी सी परत लगा के मैं चेहरे को आधे एक घंटे के लिए रिलैक्स करने देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप देना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। बाय।